हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग चार या और पांच नंबर का कान्हा जी का चोली बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। देखिए ये चोली कैसे बनता है। मैंने वाइट कलर का ऊन ले रखा है, आप किसी भी कलर का ऊन से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे एक नॉट हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से नॉट बनाने के बाद, और हम लोग ने यहाँ यूज़ किया है 12 नंबर क्रोसिया, ठीक है। 12 नंबर क्रोसिया का झोंक होता है, देखिए आप लोग, मैंने ये यूज़ किया है। ये 12 नंबर को 2.50 भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो ही नंबर आप बता सकते हैं, 12 नंबर भी बोल सकते हैं अगर आप लोग को मार्केट से ख़रीदना है, या फिर आप 2.50 भी बोल सकते हैं MM, ठीक है। अब देखिए लड्डू गोपाल का चोली बनाने के लिए ये मैंने 17 चेन बनाना होगा। देखिए 17, 1, 2, 3, 4, 5, 16 एंड 17। देखिए 17 चेन हम लोगों ने बना लिया है। अब ये 17 चेन के बाद देखिए 3 चेन और बनाना है, 1, 2, 3। तो ये 3 चेन जो मैंने बनाया है ये डबल क्रोचेट का हाइट के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये चेन 3 चेन बनाने के बाद ये 3 चेन छोड़ के चौथा चेन जहाँ 17 नंबर मैंने चेन बनाया था उसी चेन में निजस को डालते हुए डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए उसी चेयर में हम लोग निजस को डालने के बाद यहाँ एक डबल क्रोचेट बना लिए। तो देखिए यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाए और ये जो 3 चेन लिया था ये डबल क्रोचेट का एक हाइट है, तो इसको भी हम लोग एक डबल क्रोचेट गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक काउंट होगा, तो ये एक हुआ, ये एक हुआ, 2 डबल क्रोचेट हो गया। अब देखिए हर चेन में निजस को डालते हुए हम लोगों को डबल क्रोचेट बनाना है। हर चेन में इस तरीके से निजस को डालते हुए डबल क्रोचेट बनाना है। अगर आपको डबल क्रोचेट बनाना नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से 3 फंदा आएगा, 3 को 2 एंड 2 को 1 को निकालते हुए उसको कहा जाता है डबल क्रोचेट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हम लोग डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो यहाँ पर टोटल डबल क्रोचेट होगा 18, ठीक है। देखिए ये टोटल 18 डबल क्रोचेट हम लोग का हो गया है। ये एक नंबर राउंड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये इस तरीके से बना है। अब देखिए हम लोग 2 नंबर राउंड शुरू करेंगे। तो 2 नंबर राउंड शुरू करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम लोग घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद सबसे पहले देखिए 1, 2 और 3 तीन चेन लेना है। तो देखिए 3 चेन हम लोगों ने ये इसी के ऊपर 3 चेन लिया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग को नहीं डालना है, इसके नेक्स्ट वाला जो चेन है इसमें डालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें नहीं डालेंगे, इसके ये वाला जो चेन है इसमें डालेंगे। डालते हुए अब हर चेन में हम लोग को 2 डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए एक हम लोग का ये हो गया चेन, जो मैंने 3 का चेन लिया था ये 1 डबल क्रोचेट हो गया। देन उसके बाद वाला में चेन में निजस को डालते हुए 1 डबल क्रोचेट बनाया, देन उसी में डालते हुए 1 डबल क्रोचेट और बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाला में फिर इस चेन में निजस को डालते हुए 2 डबल क्रोचेट यहाँ बनाएंगे। देखिए एक बना लिया, फिर उसी चेन में डालते हुए 1 डबल क्रोचेट और बनाना है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग को यहाँ पर हर चेन में 2 डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग को यहाँ पर 3 का चेन है इसमें 1 डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल जो डबल क्रोचेट होगा वो होगा 34, ठीक है। तो पहले एक 3 का चेन हो गया, वो 1 डबल क्रोचेट हो गया। देन जितना चेन है हम लोग को सब हर चेन में 2 डबल क्रोचेट बनाना है, और एंड में आके यहाँ पर 1 डबल क्रोचेट बनाना है। इस तरीके से ये राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये टोटल जो चेन बने डबल क्रोचेट बनेगा वो होगा 34, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीका से बना है। तो ये जो हम लोग के यहाँ पर डबल क्रोचेट आया है ये टोटल आया है 34, ठीक है। ये देखिए ये तब ये सेकंड नंबर जो राउंड था ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो राउंड होगा वो 3rd नंबर राउंड होगा। इसमें देखिए क्या करना है, इस तरीका से फिर हम लोग इसको घुमाएंगे। देन घुमाने के बाद फिर हम लोग 3 चेन लेंगे। देखिए 1, 2 और 1, 3, ये 3 चेन हम लोगों ने ले लिया है। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में जो है, देखिए इसमें हम लोग नहीं करेंगे, इसके बाद वाला जो है आप लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग नहीं करेंगे, इसके बाद वाला जो चेन है इसमें हम लोग करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, चेन नहीं सॉरी डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये वही ये चेन को छोड़ते हुए नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम लोग एक डबल क्रोचेट बनाया, ठीक है। उसी चेन में हम लोग को फिर एक और डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए तो उसी चेन में हम लोग 2 डबल क्रोचेट बना दिए। पहला वाला ये 3 चेन हम लोगों ने जो लिया है ये 1 डबल क्रोचेट का हाइट हो गया है,
ठीक है। देन उसके बाद वाला में हम लोग दो डबल क्रोचेट बना दिए, एक ही चेन में दो डबल क्रोचेट बना दिए। अब देखिए हम लोग क्या करना है, अब हर चौथा नंबर चेन में हम लोगों को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है चौथा में, ठीक है। तो इधर हम लोग किस तरह के बनाना है, अब देखिए चौथा में एक दो तीन, ये तीन हम लोग ऐसे ही तीन चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक में ऐसे ही नीजस को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बना लिया, उसके बगल में नीजस को डालते हुए ये दो नीजल्स दो डबल क्रोचेट हो गया है, और उसके बाद वाला में डालते हुए तीन डबल क्रोचेट हो गया है, ठीक है। ये तीन डबल क्रोचेट हम लोग बना लिए हर चेन में बनाए हैं। अब ये चौथा नंबर जो चेन है, ये जो चौथा नंबर चेन है, ये चौथा नंबर चेन में हम लोग को दो डबल क्रोचेट बनाना है, देखिए एक और एक दो, ठीक है। तो ये याद रखना है अब हम लोगों को कि हर चौथा नंबर में हम लोग को इंक्रीज करना है, यानी कि हर चौथा नंबर में हम लोग को दो डबल क्रोचेट बनाना है, और बाकी जो चेन ऐसे आएगा बीच पे वो सब चेन में हम लोगों को एक एक डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते चलेंगे, और देखिए राउंड के एंड में जब हम लोग आ जाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग राउंड के एंड में यहाँ पर लास्ट में एक चेन खाली हम लोगों ने बनाया था, वैसे ही राउंड के एंड में हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे यहाँ पर भी एक चेन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, बीच में कहीं भी आप तीन के बाद बढ़ा दीजिएगा। हम लोग चौथा नंबर में बढ़ा रहे थे, एक अब तीसरा नंबर में बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर जो हम लोग का टोटल चेन होगा वो होगा 43, ठीक है। तो देखिए तो आप लोगों को और एक बार बता देती हूँ, देखिए तीसरा नंबर राउंड शुरू हो रहा है। ये तीसरा नंबर राउंड में देखिए पहले एक हम लोगों ने चेन लिया है, देन सेकेंड में जो हम लोग चेन में दो बार डबल क्रोचेट कर लिया, ठीक है। दो बार डबल क्रोचेट करने के बाद हर चौथा चेन में हम लोग का दो डबल क्रोचेट करना है, यानी कि इंक्रीज करना है। बाकी बीच में जो तीन चेन आएगा वो तीन चेन हम लोग को तीन एक एक सिंगल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ एक चेन ले लिया है, उसके बाद दो डबल क्रोचेट किया है, वहाँ पर देखिए एक दो तीन, ये तीन हम लोगों ने ऐसे ही बनाया है हर चेन में डालते हुए नीडल्स को। देन चौथा नंबर जो चेन है उसमें हम लोग दो बार बनाए हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने तीन जो चेन है तीन ऐसे ही एक एक डालते हुए एक एक चेन बनाया, चेन में डालते हुए एक एक डबल क्रोचेट बनाया। देन चौथा नंबर जो है इसमें दो डबल क्रोचेट बनाया। तो अब हमको क्या करना है, देखिए हम लोग चौथा नंबर में इंक्रीज कर रहे थे, अब एक छगा आप कहीं भी एक कम इंक्रीज कीजिएगा, ज़्यादा इंक्रीज कीजिएगा, यानी कि एक दो तीन तीसरा नंबर में आप इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग बनाते थे एज इट इज़ वैसे ही बनाएंगे, और राउंड के एंड में हम लोग जैसे यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाया है चेन लेकर, वैसे ही राउंड के एंड में एक डबल क्रोशेट बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो राउंड होगा तीसरा राउंड में हम लोग को टोटल जो चेन आएगा वो आएगा 43, ठीक है। देखिए हम लोग राउंड के एंड में आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए तीन हम लोग ने अलग अलग चेन में सिंगल क्रोचेट बना लिया है। अब जो चौथा नंबर चेन है यानी कि ये चेन, इसमें नीडल्स को डालते हुए दो सिंगल क्रोचेट इसमें बना लेंगे, एक और एक दो, देखिए दो सिंगल क्रोचेट मैंने बना लिया है। अब देखिए लास्ट में ये जो चेन दिख रहा है हम लोगों को, ये जो चेन है दिख रहा है, इसके जो यहाँ हम लोग को नीडल्स को डालते हुए यहाँ ये यहाँ पर इस ये जगह में तीसरा नंबर चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए तीसरा नंबर में चेन, देखिए आप लोग तीसरा नंबर जो चेन है इस तरीके से तीसरा नंबर चेन में नीडल्स को इस तरीके से डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोचेट बना लिया, देखिए। तो ये राउंड कुछ इस तरीके से आया है, देख रहे हैं आप लोग, ये राउंड कुछ इस तरीके से आया है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग को टोटल जो डबल क्रोचेट है या चेन कुछ भी आप बोल सकते हैं वो है 43, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर राउंड क्या होगा, अब इसको हम लोग इस तरीके से घुमाएंगे, देन घुमाते हुए चौथा नंबर राउंड शुरू करेंगे। तो चौथा नंबर राउंड शुरू करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग एक दो तीन, ये अब चौथा नंबर राउंड में हम लोग बाजू बनाएंगे, ठीक है। कान्हा जी का जो बाजू होता है वो हम लोग बनाएंगे। तो तीन चेन ले लिए हैं, तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट में हम लोग को पांच चेन बनाना है, ठीक है। ये हो गया काउंट कर लेंगे, ये एक चेन काउंट कर लिए, इसके ये इसमें नहीं हम लोग को डालना है, इसमें नहीं डालेंगे, इसके बाद बड़ा यहाँ पर जो है इसमें नीडल्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएं। तो देखिए काउंट हो गया, ये एक डबल क्रोचेट, ये एक डबल क्रोचेट, दो डबल क्रोचेट हो गया है, दो हो गया है, अब एक डबल क्रोचेट और बनाया, तीन, एक डबल क्रोचेट और बनाया, चार, एक डबल क्रोचेट और, पांच और एक छः,
पांच हम लोगों ने डबल क्रोशेट बनाया, पांच हम लोगों ने डबल क्रोशेट बनाया और एक चेन हो गया, तो टोटल ये छः हो गया। ठीक है, अब छः डबल क्रोशेट के बाद अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, नौ स्किप करना है। ये जो चेन है ये चेन नौ को हम लोगों को छोड़ देना है। एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और दस नंबर जो चेन है उसमें इस तरीके से निजस को डालना है। डालने के बाद यहाँ डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए इस तरीके से हम लोग डबल क्रोशेट बनाए, तो यहाँ हम लोग को टोटल तेरह डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, तेरह चेन में एक एक करके तेरह डबल क्रोशेट बनाना है। तो एक बना लिए, दो, तीन, तो इस तरीके से यहाँ पर तेरह डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ तेरह डबल क्रोशेट बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए इनका कान्हा जी का बाजू निकल आया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, या फिर हम लोग जैसे यहाँ नो स्किप किए थे, ये जो नो स्किप किए थे ये बाजू बना है, तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग को फिर नो स्किप करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और दस नंबर चेन में फिर निजस को डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए तो इस तरीके से कान्हा जी का दो बाजू हम लोग को बन गया है, इधर भी एक बाजू निकल गया, इधर भी एक बाजू निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये नो करने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर छः बना रहे थे, छः चेन बनाया है शुरू में, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को छः चेन बनाना है अंत में। तो एक बन गया है, दो डबल क्रोचेट, तीन, चार, पाँच और देन छः। देखिए छः नंबर जो चेन हम लोग को बनाना डबल क्रोचेट बनाना है, वो देखिए ये जो तीन चेन दिख रहा है, ये तीन चेन का तीन नंबर जो चेन है एकदम लास्ट में जो चेन है उसमें इस तरीके से नीचे उसको डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाना है। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। देखिए ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये राउंड यहाँ पर हम लोग का ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। तो ये हम लोग का बाजू निकल गया है कान्हा जी का, अब देखिए टर्न करेंगे, करते हुए फिर हम लोग यहाँ पर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, देखिए तीन चेन ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग का, देखिए यहाँ पर छः बनाए हैं, यहाँ तेरह रखे हैं, यहाँ छः, तो तेरह छः तेरह और छः टोटल हुआ 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पीछे यहाँ पर जो, तो ये राउंड में हम लोग का ये जो यहाँ पर जो चेन है ये हो गया टोटल 25। ठीक है, तो अब हम लोग को इस राउंड में क्या करना है, देखिए ये 25 के ऊपर 25 डबल क्रोचेट बनाना है, द हर चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाना है। एक हम लोग यहाँ पर तीन चेन हो गया है, ये एक हो गया है, अब यहाँ पर निजस को नहीं डालते हुए इसके बाद वाला यहाँ पर निजस को डालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ निजस नहीं डालेंगे, यहाँ निजस डालते हुए दो हो गया है, ये काउंट कर लिए हम लोग तीन। तो इस तरीके से ये राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे, 25 डबल क्रोचेट के ऊपर 25 डबल क्रोचेट हम लोग को बनाना है। ठीक है, ये राउंड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये फिफ्थ नंबर राउंड है, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा राउंड है, ये राउंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है, देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, अब देखिए ये पाँच नंबर हम लोगों ने कान्हा जी का चोली बनाया है, आप अगर चाहे तो ये एक राउंड और बना सकते हैं, अगर आपको चोली जैसा लंबा पसंद है तो एक राउंड आप और बना लीजिए, यानी कि सिक्स नंबर राउंड में 25 के ऊपर 25 डबल क्रोचेट आप बना सकते हैं। और अगर आपने तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर जो बैक पोर्शन है ये बैक में हम लोगों ने 13 चेन रखा है, और ये जो इधर जो फ्रंट पोर्शन है तो यहाँ पर 6 यहाँ 6, यानी कि इधर रखा है मैंने 12। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर लास्ट में आके हम लोग क्या करेंगे, राउंड के लास्ट में आके यहाँ पर देखिए तीन चेन दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है आप लोगों को, एक दो तीन, तो तीसरा नंबर चेन में निजस को इस तरीके से डालते हुए, देखिए निजस को इस तरीके से डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देंगे, इस तरीके से हम लोग स्लिप स्टिच बना देंगे, तो ये आपस में दोनों जुड़ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग कोई भी अगर ये चोली का हम लोगों को कोई भी डिजाइन इसका यानी कि घेरा बनाना है, तो हम लोगों को स्लिप स्टिच बनाते हुए हर जो यहाँ पर चेन दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए ये बॉर्डर जैसा चेन जैसा दिख रहा है, तो हर चेन में इस तरीके से निजस को डालते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे।
किनारी तक आ जाएंगे, ठीक है। ये जो किनारी दिख रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से हम लोग डिजाइन शुरू करेंगे। ये हम लोग इसलिए करते हैं, एक फिनिशिंग लुक आएगा, ठीक है। देखने में घेरा बहुत सुंदर लगेगा और एक फिनिशिंग लुक आएगा। देखिए हम लोग यहाँ तक स्लिप स्टिच करते हुए हम लोग यहाँ तक आकर पहुँच गए, ठीक है। देखिए तो हम लोग घेरा बनाएंगे, तो ये आर्म होल के साइड में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे हम लोग आर्म होल के इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग घेरा नहीं बनाएंगे, यहाँ से हम लोग घेरा नहीं बनाएंगे, ये लुक उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये चोली बन गया है। अगर आप लोग को इसका ये 5 नंबर चोली मैंने बनाया है, अगर आप लोगों को 4 नंबर चोली बनाना है तो देखिए क्या करना है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 12 रखा है, पीछे 6 इधर रखा है, 6 इधर रखा है, टोटल इधर 12 हुआ, और इधर जो बैक में हम लोगों ने 13 रखा है, यहाँ आप 11 भी रख सकते हैं, ठीक है, 11 या फिर 12 रख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक स्टिच कहाँ घटाना है, ये 3 नंबर जो हम लोग का राउंड हुआ है, ये 3 नंबर राउंड में अब यहाँ पर स्टिच कहीं भी एक स्टिच और घटा सकते हैं, एक या दो स्टिच आप इसमें घटा सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 4 नंबर चोली, ठीक है। तो ये देखिए ये 5 नंबर चोली इस तरीके से बन गया है। अब हम लोग क्या करना है, एक चेन ले कर इस धागा को कट कर देना है। देखिए एक चेन ले लिया मैंने, लेने के बाद यहाँ पर इस धागा को इस तरीके से कट कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पर जो हम लोग किनारी बनाना है, ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा नेक में किनारी बनाएंगे और ये यहाँ पर हाथ में भी किनारी बनाएंगे, आर्म में भी हम लोगों को किनारी बनाना है, ठीक है। तो ये किनारी हम लोगों को रेड कलर से बनाना है, आप लोग किसी भी कलर ले सकते हैं, मैं यहाँ रेड कलर ली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे, ठीक है। नॉट लगाने के बाद देखिए सबसे पहले ये जो होल दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पर जो दिख रहा है ये होल, इसमें नीडल्स को डालेंगे, डालते हुए यहाँ पर ये धागा को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है, करने के बाद यहाँ, ठीक है, तो ये आपका अटैच हो गया। चेन बनाने के बाद इसी में डालते हुए 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, देखिए एक और एक, दो, ठीक है, 2 सिंगल क्रोशेट मैंने बना लिया है। अब देखिए नेक्स्ट में डालते हुए 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है, एक, दो, फिर नेक्स्ट में डालते हुए 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है, एक, दो। तो हर जो हम लोग को होल दिख रहा है, इस तरीके से होल दिख रहा है, हर होल में नीडल्स को डालते हुए 2-2 सिंगल क्रोशेट हम लोगों को बना लेना है। देखिए फिर ये होल आया है, इसमें डालते हुए 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये मेरा इधर का किनारी देखिए बन गया है, ठीक है, ये किनारी हम लोग का बन गया है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए हम लोग नेक में आके पहुंच गए, गला में आके पहुंच गए, तो यहाँ पर जब हम लोग टर्न लेंगे तो यहाँ पर 2 चेन लेंगे, देखिए एक और दो। ये मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर नहीं तो खींचा खींचा आ जाएगा, ठीक है, लुक ठीक आएगा नहीं। तो ये हम लोग 2 चेन ले लिया है, तो यहाँ थोड़ा लूज हो गया है। 2 चेन लेने के बाद इसी होल में हम लोग को नीडल्स को डालते हुए 2 सिंगल क्रोशेट और बनाना है, देखिए एक और एक, दो, ठीक है, 2 सिंगल क्रोशेट हमने बना लिया है। अब देखिए ये एक, दो, 2 डबल क्रोशेट को स्किप करना है, जो चेन दिख रहा है ये 2 चेन को हम लोग स्किप कर देंगे, ये जो होल दिख रहा है इसमें नीडल्स को डालते हुए 1 सिंगल क्रोशेट बनाना है। देखिए इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशेट बनाया, उसी होल में डालते हुए 1 सिंगल क्रोशेट हमने और बनाया, ठीक है। तो ये नेक जो बनाएंगे 2-2 चेन को स्किप करते हुए थर्ड वाला होल में बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हम लोग क्या करना है, 2 चेन फिर हम लोग स्किप कर दिए, एक, दो, 2 डबल क्रोशेट स्किप करने के बाद ये तीसरा जो होल है इसमें नीडल्स को डालने के बाद यहाँ पर दो, एक, देखिए एक बनाया सिंगल क्रोशेट और 1 सिंगल क्रोशेट, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये 2 हम लोग स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, देखिए एक और एक, दो। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर 2 स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद यहाँ बनाएंगे एक, दो, 2 सिंगल क्रोचेट, फिर हमने 2 स्किप करना है, स्किप करने के बाद फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, देन फिर 2 स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद यहाँ 2 सिंगल क्रोचेट बनाना है, ठीक है, एक और एक, दो, फिर 2 स्किप करेंगे, यहाँ 1 सिंगल क्रोचेट, देन उसी होल में और 1 सिंगल क्रोचेट। देखिए हम लोग इधर आके पहुंच गए हैं ये रो में। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को फिर 2 स्किप किए हैं, देखिए
फिर दो स्किप कर रहे हैं। स्किप करने के बाद ये जो होल है, ये वाला देखिए, ये जो होल है इसमें नेजर्स को डालते हुए यहाँ दो सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए एक और एक सिंगल क्रोचेट। अब देखिए हम लोग इधर आके पहुँच गए हैं, इधर आएंगे तो टर्न करेंगे, तो उसके टर्न करने के लिए दो चेन ले लेंगे, और दो चेन लेने के बाद इसी होल में, देखिए इसी होल में हम लोग को नेजर्स को डालते हुए दो सिंगल क्रोचेट और बनाना है, एक और एक दो, ठीक है। अब दो सिंगल क्रोचेट, अब ये हर होल में हम लोग को डालते हुए दो सिंगल क्रोचेट बनाना, जैसे हम लोग ने इधर बनाया है वैसे ही हम लोग इधर बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के एंड में हम लोग आके पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर एक चेन लेते हुए ये धागा को यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे, एक चेन लेते हुए ये धागा को हम लोगों ने यहाँ कट कर दिया। अब ये धागा को हम लोग पीछे की ओर ले आएंगे, इस तरीके से पीछे की ओर ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, देख रहे हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए हम लोग ये जो बाजू है ये बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, रेड कलर ले लेंगे, इसमें एक हम लोग नॉट लगा लेंगे सबसे पहले। नॉट लगाने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर शुरू करेंगे, ये जो दिख रहा है आप लोग होल, ये देखिए ये धागा के ये जो होल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये लेते हुए एक चेन बना लेंगे सबसे पहले, और उसी होल में फिर हम लोग दो डबल क्रोचेट बनाएंगे, दो सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए एक बना लिया, देन और एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम लोग दो दो ये स्किप करेंगे, दो चेन स्किप करेंगे। ये देखिए दो चेन स्किप करने के बाद ये वाला जो है इसमें हम लोग दो सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए एक और एक, दो सिंगल क्रोचेट बना लिया। देन हमको फिर इधर दो स्किप करना है, ये दोनों स्किप करेंगे, दो चेन को देखिए, दो चेन को हम लोग स्किप करने के बाद ये वाला है इसमें नीचे इसको डालते हुए दो सिंगल क्रोचेट इसमें और बनाएंगे, एक और एक दो, ठीक है। फिर हम लोग ये दोनों स्किप करेंगे, स्किप करते हुए यहाँ पर दो सिंगल क्रोचेट और बनाएंगे, एक दो, फिर दो ये डबल क्रोचेट है, ये दोनों को स्किप करेंगे और ये होल में डालते हुए यहाँ पर दो सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये राउंड को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए आप लोग, फिर दो स्किप करेंगे यहाँ पर नीचे इसको डालते हुए दो सिंगल क्रोचेट यहाँ पर दो बनाना है, एक और एक दो, ठीक है। फिर देखिए दो स्किप करते हुए यहाँ पर नीचे इसको डालते हुए एक और एक दो, ठीक है। ये हम लोग कर लिए हैं, और करने के बाद यहाँ एक चेन लेके यहाँ धागा को कट कर देंगे, देखिए ये धागा को कट कर देंगे। और कट करने के बाद ये जो धागा दिख रहा है हम लोग का, ये जो धागा दिख रहा है इसको हम लोग नीडल्स के सहारे अंदर ले आएंगे, पीछे की ओर ले आएंगे, देखिए पीछे की ओर ले आए, और पीछे की ओर लाते हुए ये दोनों धागा को एक साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इधर भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देख रहे हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये मैंने पाँच नंबर चूड़ी का बताया है आप लोगों को, और चार नंबरों का भी हिसाब आप लोगों को बता दिया है, कुछ नहीं है। अगर आप लोग इस चूड़ी को और थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो ये राउंड को आप लोग बढ़ा सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये पाँच नंबर है चार नंबर बनाना है तो आप लोगों को यहाँ जैसे मैंने 13 रखा है और इधर 12 रखा है, तो आप लोग यहाँ पर भी 12 या 11 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा, बहुत ही प्यारा है, आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट हमको करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और देखिए इस तरीके से फ्लावर मैंने अपना वीडियो में अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने फ्लावर बनाया है। इसी फ्लावर से अब मैं इसका घेरा बना के आप लोगों को फ्लावर का एक सुंदर सा लड्डू गोपाल का पोशाक बना के सिखाऊँगी। अगर आप लोगों को मेरा
ये बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।